हरिओम तत्सत, मेरा नाम गुरु सुखदेव जी है और जनूबी पंजाब के जिला रहीमियार खान से साड़ा ताल्लुक है और खासकर मैं हिंदू कम्यूनिटी मेरा ताल्लुक है और पंजाब दे विच भी हिंदुओं की तादाद कम से कम भी 40 लाख तो उत्ते है लेकिन जिला रहीमियार खान की आबादी जी है 3 लाख के करीब है। तो जी असी जो अकीदत मानता असी हाँ सूफी संतान के अकीदत मानता जेद भी गुरु नानक साहब की जी तालीम है वह अमन भाईचारा और शांति का जरा पैगाम दिंदी है वो साढ़े वास्ते बहुत अच्छा है। इस तरह साढ़े सूफी संत होर भी बहुत सारे ने साढ़े पंजाब के भी ने लेकिन जो गुरु नानक साहब की जी तालीम है वो अमन भाईचारे का तालीम है और साड़ी लोग जो सिर्फ पंजाब तो नहीं आते पूरे पाकिस्तान तो सिंध तो लोग आते हैं और वह आके इतने आके अपना अकीदतमंद के मुताबक सिर भी झुकाते हैं उन्होंने वचन भी सुनते हैं और लंगर भी खाते हैं लोगों नाल मिलते हैं मिलजुल के यकीन मनो के बड़ा शांति दिल में मिलती है और खासकर पाकिस्तान के रेंदिया हुए असं बड़े अच्छे तरीके नाल अपने मजहबी त्यौहार भी मनाने भावें होली हो दिवाली हो या गुरु नानक दा दिन हो या क्रिश्चन क्रिसमस हो इस तरह से असी बिल्कुल मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं। अज जरा जरा त्यौहार है गुरु नानक साहब के नाम से नाम है ये पूर्णमाशी का कल में त्यौहार बड़ा जोर शोर नाल है तो साड़ी आबादी जी बहुत सारी आई है इतने तो बड़ी मेहरबानी मीडिया वाले जी सा गल न लोगों तक पहुँचाते हो और मैं ये भी दसना चाहता कि पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरे मुल्कों में पता लग सकता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम किमें सुख के नाल रह सकते हैं और अमन नाल भाईचारे नाल अपने त्यौहार मना रहे हैं। मेरा नाम विक्रम है, मैं सिंध मीरपुर खास सिटी से आया हूँ। मैं अबाउट 13 ईयर से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ यहाँ पे। मेरा गुरु बाबा से एक रूहानियत है, एक सिद्धक है। 6 साल से तो मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ, उससे पहले मैं इंडिविजुअली सिंगली आता रहता था। ये हमारी प्रार्थना होती है हमारे कि हमें इस दिन हमारे जो इधर गुरुप्रभ होता है मेला आप कहें, हम बोलते हैं गुरुप्रभ, गुरु का जन्मदिन होता है, तो इस साल हम इस दिन हर साल सारी ज़िंदगी आते ही रहें। हमारे मुर्शिद हमारे पीर जो है ना सब कुछ यही है। सिंधियों की ज़्यादा इसलिए सिद्धिक है कि गुरु साहब जो थे गुरु नानक साहब वो सिंधी ही थे, असल सिंधी घर में मतलब लुहाना कम्युनिटी के ही जन्म लिया था। गुरु नानक जिनको कुछ सिख या ये तो सिख एक फिरका है, अलग से बनाया गया एक मज़हब बन गया, आगे रजिस्टर करा दिया इन्होंने। असल में तो ये सिंधी इसलिए सिद्ध करते हैं कि गुरु बाबा जो हमारे थे वो हमारे सिंधी ही थे। बाद में उन्होंने वो तो पहली बात ये हम कहना चाहेंगे तो अच्छी है कि गुरु साहब किसी के मज़हब के लिए नहीं आए, किसी कम्युनिटी के नहीं आए, वो तो इंसानियत के लिए आए थे। वो दुनिया के कोने कोने में उन्होंने पैदल सफ़र किया था। वो तो मक्का शरीफ भी चले गए थे, मर्दाना और बाला उनके साथ होते, मर्दाना मुस्लिम होते थे उनके साथ मक्का भी गए थे, वहाँ भी ज़ियारत किए, मदीना भी गए, वो दुनिया की कोने कोने में गए हैं, ज़्यादा सफ़र किया है पैदल और प्रचार किया है उस रब का। जब गुनाह जैसे जैसे दुनिया में गुनाह बढ़ते गए तो ऐसे ऐसे अवतार हमारे प्रभु आते रहते हैं, हमारे मुर्शिद आते रहते हैं, हमारे एक अवतार आते रहते हैं, तो उसमें से गुरु नानक एक हमारे बहुत बड़े अवतार हैं। हाँ जी, की नाम तुम्हारा, कितों आए हो? हम जी सखर से खैरपुर जिलों से आए हैं, पैरालू के रहने वाले हैं, गाँव है हमारा शहर। अच्छा, यहाँ पे आने की क्या खास वजह? हमें यहाँ बाबे का जन्मदिन है, आसान है, हम जो है ना हमें बहुत मज़ा आता है यहाँ, हर साल हम आते हैं और कहीं भी हमें मज़ा नहीं आता है, इतना मज़ा आता है जो आप जैसा कहें वो कम मज़ा है, हमें इतना मज़ा आता है यहाँ। ये बाबे का जन्म स्थान है, जन्मदिन है बाबे का, हमें बहुत मज़ा आता है, बस बहुत इंजॉय करते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, तुसी दसो जी। हम आए हैं ठठा से, बाबा श्रीचंद के नगर से, बाबा गुरु नानक का बेटा उनके आए हैं उनके इलाके से। अभी अब यहाँ आए हैं, सुना के लोगों ने बोला कि भाई कोरोना है, लोग इधर भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन हम वो बोलते हैं कि 2550 में जो लोग आए उससे भी ज़्यादा लोग आए हैं। गुरु नानक के दर पे कोई कोरोना नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बाबी की रहमत है, यहाँ की इंतजाम अच्छी है, बिल्कुल नानकन साहब की इंतजाम अच्छी है, वो फैसिलिटी देती है, लोग भी बेहतरीन है, लेकिन एक चीज़ की कमी यहाँ ये है कि यहाँ पानी जो है, पानी का अगर गीजर सिर्फ लग जाए ना तो इसे
इसके सिवा और कोई अच्छी बात नहीं है। हमें खुशी होती है हर साल, हम हर साल आते हैं, हमें मोहब्बतें मिलती है। यहाँ के इंतजाम है, मोहतरम फराज साहब है, यहाँ का चेयरमैन है, बेहतरीन सेवा करता है, उनको मालिक अच्छी रहमत दें और अच्छी सेवा है, लंगर भी अच्छा है। इसके बाद इंतजाम ही अच्छी है, अभी तक करोना है, हर को हर आदमी को हर चीज़ की सहूलत मिल रही है। आ सुन लिया जी इन्होंने गल्ला, इन्होंने बस गीजर की कमी लग रही है, बाकी सारा कुछ ठीक है। कोरोना शुरू ना कहते बाबे के दर से कोई नहीं है।